वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। गाइस इट्स योर बॉबी आबिर और आप लोगों का फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो पे। सो गाइस, अभी फिलहाल हम जा रहे हैं दिल्ली रोड होते हुए दमदम पे, जो कि कलकत्ता पे है। क्यों जा रहे हैं, क्या नहीं है, सब बताएंगे आपको, वीडियो पे बने रहिए। और सबसे बड़ा बात कि मैं अभी जस्ट सनराइड करके लौटा हूँ और मैं घर नहीं गया, मैं यहाँ से डायरेक्ट जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इवेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो वही देखने जा रहा हूँ। जाऊँगा थोड़ा देख वेख के और शाम के अंदर बैक कर जाऊँगा, यही मेरा प्लान है आज का। फिलहाल अभी हम लोग है पार्ट डानकुनी के ब्रिज पे और ये हम लोग आ चुके हैं डानकुनी मोड़ या डानकुनी जो भी कह सकते हो आप। ब्रिज पकड़ के हमको जाना पड़ेगा। गाइस हम लोग आ चुके हैं सेकंड टोल प्लाजा पे, सेकंड विवेकानंद टोल प्लाजा। बेसिकली यहाँ सुगंधा से डानकुनी का जो सफ़र था वो स्मूथ था क्योंकि रास्ते पे कोई ट्रैफिक नहीं था। बट यहाँ से जो दमदम का रास्ता है यहाँ पर थोड़ा डिले होगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आज को संडे है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, मुझे पता नहीं संडे का हाल। बट अभी यहाँ पर तो थोड़ा बहुत डिले होगा ही, मुझे पता है, क्योंकि कलकत्ता जा रहे हैं भाई, कलकत्ता जा रहे हैं टाइम पे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, डिले होगा, ऑब्वियसली डिले होगा। और यहाँ से लगभग और 20-25 किलोमीटर है हार्डली वो अपना दमदम। सो अभी तो ब्रिज से जाना पड़ेगा। वेलकम टू कोलकाता। यहाँ पर भाई लंबा जैम है, दिखा रहा है सामने, यहाँ पर लंबा जैम दिखा रहा है, बाप रे सामने भाई बहुत सारा जैम दिखा रहा है। फिलहाल आ चुके हैं, फिलहाल अभी है कुछ ऐसा टर्निंग पे और यहाँ से 800 मीटर और बाकी हम लोग ये सीधा जाके राइट लेके यहीं पर ही है। ये फॉलो करते करते हम जाते हैं, यहाँ पर एक ग्राउंड है ऑलरेडी। अच्छा ये लगता है यहाँ पर कोई पूजा वूजा हुआ था क्योंकि अभी भी पूजा का वाइब चल रहा है। एओ जी का स्वागत ही कुछ दूसरा नेक्स्ट लेवल होता है भाई। अभी तो एओ जी का यहाँ पर ही हो रहा है, ठीक है, आई ठीक जगह पे आए हैं, यहीं पर रख देते हैं फिलहाल। चलो आ चुके हैं। 3 hours later। तो भाई फिलहाल ये वाला ग्राउंड है और सारा जगह पे ऐसे ऐसे टेंट किया गया है हर टीम के लिए। और ये एओ जी का टेंट ये है, मैंने अपना हेलमेट वगैरह रख दिया सब। और वहाँ पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहाँ पर फुल दम पे मैच चल रहा है। इंद्रजीत फोटो यहाँ पर एक ऐड किया है जो कि है 8 and 9 December। तो जो जो इंटरेस्टेड है जा सकते हैं मोटोसोल से। लगभग एक पोस्टर वगैरह सब जगह एओ जी टीवीएस एपाची रोनी एपाची सब जगह पे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। सही है भाई, सही है। बाशद भाई कैसे हो? अभिषेक एक बार तेरे सामने शो। यहाँ पर सर से स्पॉन्सर से कौन कौन से स्पॉन्सर है, मोटी वगैरह सब है। So guys, इवेंट खत्म नहीं हुआ है बट हम अभी निकल जा रहे घर की ओर क्योंकि और बहुत एनर्जी लॉस हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। गर्मी इतना ज़्यादा है ऊपर से और अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मतलब और शरीर नहीं दे पा रहा है, सुबह को बहुत जल्दी से आया था और मन नहीं कर रहा है रहने का। सो घर की ओर निकल जा रहे हैं। फिलहाल पता नहीं मुझे कितना टाइम लगने वाला है, दिखा रहा है 1.5 घंटा का रास्ता। सो चलो जाते हैं। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है फिलहाल अभी, तो चलो जल्दी से जाते हैं।
जाने के टाइम कुछ खाना वाना खा लेंगे या ले लेंगे, अभी के लिए कुछ नहीं। तो अभी जल्दी जल्दी से जाएंगे क्योंकि बाद में नहीं तो जैम हो जाएगा। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे और यहाँ से फिर से हम फ्लाईओवर पकड़ रहे हैं, जहाँ से हम लोग आए थे उसी का ही नेक्स्ट फ्लाईओवर है ये। ये लगभग 2-3 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ेगा उसके बाद, और पूरा खाली रोड है क्योंकि अभी डाउन पे कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि अभी कोई नहीं निकलता है, मैक्सिमम इस टाइम पे खाली रहता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकल गया उसके ऊपर। भाई अकेला ना अकेला लग रहा है, अकेला नहीं बट तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। सुबह को निकला और ना अभी तक कोई रेस्ट नहीं मिला है, ऊपर से राइडिंग गियर्स पहन के ना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो निकल जाते हैं, और तो कुछ है नहीं वैसे फ़िलहाल। तो आप लोगों को दिखाया, ये एक बेसिकली एक क्रिकेट टूर्नामेंट था जो कि इन अपना वेस्ट बंगाल में जितना भी राइडिंग क्लब्स है उनके लिए, मतलब उनके साथ एक राइडिंग फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली एक टूर्नामेंट टाइप्स है। सो जिसमें बहुत सारे टीम पार्टिसिपेट करते हैं और मैच भी चल रहा है अपने देखा। और ये फ्लाईओवर कितना मस्त है, ये शायद से एम बाईपास है, मुझे नहीं पता कलकत्ता का, मुझे एकदम ज़ीरो नो आइडिया मेरे को कलकत्ता पे। और लेकिन सिर्फ एक जगह पता है कि यहाँ से एक रास्ता डिवाइड हो जाता है जो न्यू टाउन चला जाता है, वो न्यू टाउन सिर्फ का रास्ता मुझे सिर्फ मालूम है। और बैटरी का भी चार्ज भी नहीं है फ़ोन पे अभी। चलो भाई जल्दी जल्दी जाते हैं। एक बात है ना, जब किस्मत ख़राब और हालात ख़राब रहे तब ना कुछ नहीं हो सकता है, वैसा ही केस हो गया यहाँ पर जानते हो भाई। पूरा दिल्ली रोड जैम होकर रखा है, पता नहीं क्या है आज को, पूरा दिल्ली रोड नो एंट्री है अभी। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से जैम काट के निकलने का, तब जाके कोई फ़ायदा नहीं है। देखो जाना है यहाँ से अभी, यहाँ से जगह होगा जाने का, बाबा कुछ छिपे रखा जी। भाई ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा अभी, नहीं तो भूखा बैठा रहना पड़ेगा मेरे को भाई। अभी ये जैम कितने में कितना देर में खुलेगा कोई अंदाजा नहीं। ओ इधर से देखता हूँ, अरे बाप रे क्या करना पड़ रहा है। चलो भाई थोड़ा रास्ता मिला, फिर भी बाइक पे है इसलिए भगवान के कृपा से हम निकल पाए भाई। चलो एटलीस्ट निकल पाए। इस फाइनली खाना वाना कंप्लीट कर लिया और अभी साइड 2:15 तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर और राइड सेफ गाइस, क्योंकि यार आप लोग का जान बहुत प्यारा है। सो डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, राइड सेफली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय, टेक केयर और राइड हार्ड।